लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अब भी सुहानी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुहानी चलो ना, आज एक मूवी चलते हैं। क्लास तो जल्दी खत्म हो गया और कोई लेक्चर भी नहीं है अभी। नहीं चिराग, तुम लोग जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। ओ कम ऑन सुहानी, राज शिवानी में सब जा रहे हैं, तू भी चलना, बहुत मजा आएगा सच में। उस दिन दोस्तों के फोर्स करने पर सुहानी मूवी देखने चली गई। उफ, ये बुखार रोज रोज आता है मुझे, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। क्या हुआ धीरज जी, आपका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज भी आपको बुखार आया है? हाँ पायल, जल्दी से डिनर बना दो, मैं खाकर सो जाऊंगा। धीरज बुखार से ऑलरेडी परेशान है, अब आग लगाने में बहुत मजा आएगा। सुहानी सुहानी। जी भाभी बोलिए। क्या कर रही थी? मैं अगले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी भाभी, बोलिए ना क्या बात है। नहीं मैं तो बस ये कह रही थी कि घर पे तुम इतनी पढ़ाई करती हो, फिर कॉलेज में क्या करती होगी? मतलब यही कि आज का मूवी कैसा था, कितने लड़कों के साथ गई थी मूवी देखने? हाँ भाभी भाभी मैं तो। सुहानी व्हाट इज दिस, तुम कॉलेज जाने के बहाने किसी के साथ मूवी जाती हो? नहीं भैया मैं तो बस। आज से एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बस पढ़ाई पे ही ध्यान देना है और किसी भी चीज पे नहीं। अब जाओ यहाँ से। कल पहली बार भैया मुझ पे इतने जोर से चिल्लाए और पता नहीं भाभी को ये सब करके क्या मजा आता है, हमारे भाई बहन के बीच प्यार को नफरत में बदलने की कोशिश कर रही है वो। I'm sorry सुहानी, मुझे तुम्हें मूवी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। पर सुहानी एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी हमें वहां पे कैसे देखी, क्या वो भी गई थी मूवी देखने? अरे ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, आखिर मुझे वहां पे देखा किसने? ये बात सुहानी के मन में एक क्वेश्चन मार्क बना तो दिया था, पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दी, ना ही अपने भैया को इस बारे में कुछ बताई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। डार्लिंग हम दोनों शादी कब करेंगे, तुम तो बोल रही थी कि धीरज से जल्द ही पीछा छुड़वा लोगी, पर तुम इस बारे में बात ही नहीं कर रही। बस कुछ ही दिन की बात है निखिल, पहले सुहानी को अपने रास्ते से हटा दूंगी, फिर धीरज तो वैसे भी बीमार हो रहा है, फिर उसकी जायदाद और हम दोनों। आखिर ये पायल के दिमाग में चल क्या रहा है, वो भाई बहन दोनों के साथ क्या करने वाली है? मान गया तुम्हें, बहुत सही प्लान बनाई हो, सब समझ गया मैं, हम दोनों इस काम को अंजाम देंगे, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? यस डार्लिंग। धीरज तू दिन ब दिन बीमार होते जा रहा है यार, एक बार डॉक्टर कंसल्ट क्यों नहीं करता? नहीं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं काम का ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, चल चाय पी कर आते हैं। चल भाभी नमस्ते। तुम? हाँ भाभी, सुहानी है क्या? उससे कुछ काम था, बुला दीजिए ना प्लीज। सुहानी तो अपने भैया के साथ सुबह ही कॉलेज चली गई, क्यों?
तुम्हें नहीं बताई? कॉलेज गई है पर ओके भाभी, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा, पर धीरज हम एक ब्लड टेस्ट कर देते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके? हाँ डॉक्टर, मेरे भैया दिन ब दिन बहुत बीमार दिख रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए। इतना क्या सोच रही हो मैडम जी? यही सोच रही हूँ कि आज उस चिराग और सुहानी दोनों को ठिकाने लगाते समय कुछ इधर उधर ना हो जाए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। दोनों एक साथ? पर कैसे, क्या प्लान है तुम्हारा? भाभी क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं? आखिर हुआ क्या? अरे पायल, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? भैया मैं जब से कॉलेज से घर वापस आई हूँ, भाभी तब से रोए जा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। पायल, पायल क्या हुआ, कुछ तो बोलो पायल। आज तुम ऑफिस जाने के बाद वो चिराग आया था हमारे घर पे। चिराग? हाँ मुझे पता है, वो आया था उसका एक नोट लेने। क्या हुआ भाभी? नहीं धीरज जी, नोट तो बस एक बहाना था। जब उसे पता चला घर पे कोई नहीं है तो वो मेरे साथ। क्या भाभी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या किया वो बताओ पायल, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और मैं जब उसकी बात ना मानकर जोर जोर से चिल्लाने लगी तब वो डर के मारे यहाँ से भाग गया। नहीं भाभी, चिराग ऐसा लड़का नहीं है। इसीलिए मैं अब तक किसी को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि कोई भी मेरे बातों का यकीन नहीं करेगा। धीरज जी क्या आपको भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है पायल, एक औरत कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। वो चिराग ने जरूर कुछ किया होगा, मैं अभी उसे घसीट के पुलिस के पास ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। नहीं धीरज जी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो सोसाइटी में मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी। आप बस उसका हमारे घर पे आना बंद कर दीजिए ताकि वो आइंदा ऐसा हरकत ना कर सके। पर भैया चिराग को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। सुहानी बस करो, क्यों इतनी तरफदारी कर रही हो उस लफंगे का? देखा आपने, मैं बोल रही थी ना, ये दोनों दरवाजा बंद करके कमरे में घंटों अकेले रहते हैं। क्या है इसका मतलब? हाँ आज उस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझ पे हाथ डालने लगा है, क्या आप ये सब सुनने के बाद चुप रहेंगे? सुहानी अब घर पे नहीं, हॉस्टल में रहेगी, और वहाँ पे ना तो कोई लड़का अंदर आ सकता है और ना ही ये कॉलेज टाइम के बाद बाहर किसी से मिलने निकल सकती है। मैं तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी सुहानी, तुम इसकी लायक ही नहीं हो। मैंने तुम्हें इतना फ्रीडम दिया और तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया है। अब जाओ, जाकर सामान पैक करो, कल सुबह होते ही तुम्हें हॉस्टल छोड़ाऊंगा। पर भैया आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये सब कुछ भाभी जानबूझकर। एनाफ, चुप करो तुम, जाओ जाओ यहाँ से। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।